स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने बेबाक बोल के लिए मशहूर रहे हैं। बन्ना के बेबाक बोल रिम्स में भी सुनाई पड़े, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने एक साथ कई उद्घाटन किए, कई लोगों को उपदेश दे डाला तो कई लोगों को खरी खोटी भी सुना डाली। उन्होंने जहां रिम्स की व्यवस्थाओं पर चिंता जाहिर की, वहीं निदेशक को कड़े शब्दों में निर्देश भी दिया। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जितना बड़ा ये अस्पताल है उतना ही ज़्यादा इस अस्पताल से आम लोगों को उम्मीदें रहती हैं, मगर अक्सर रिम्स आने वाले मरीज और उनके परिजनों को रिम्स में कुव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल इन्हीं व्यवस्थाओं पर आज खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही घुसते हैं तो देखते हैं कि वो जो बीच का हिस्सा है, जो दोनों रोड के बीच में सेंट्रल वर्ज है, वो सेंट्रल वर्ज देख के लगता है कि ये कोई भूतिया बंगला तरफ आ गए। कि नाली जो है बजबजाई हुई है, पानी ऊपर बह रहा है, डायरेक्टर साहब बाहर का कौन करेगा, नगर निगम करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसको चार दिन के अंदर अंदर आप जितना लेबर लगाना है लगाइए, जो पैसा लगाना है लगाइए, अलग से व्यवस्था खड़ी कीजिए और सारा उसको तोड़ के हटाइए और नीचे से उसकी तल्ली दिखनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। वहीं राज्य में चिकित्सक और मरीज के परिजनों के बीच बढ़ते विवाद पर चिकित्सकों से आग्रह किया गया है कि वो विनम्रता से अपनी सेवा करें। चिकित्सक धरती के भगवान होते हैं और भगवान में क्षमा करने की प्रवृत्ति होती है। भगवान के आप उत्तराधिकारी है, इसलिए आपको तो बहुत चीजों को बर्दाश्त करना होगा। यदि आपको कोई टेढ़ा बोल दे, थोड़ा सा आपके साथ मिसबिहेव भी कर दे, तो आपको जरूर सोचना होगा कि ये भी प्रभु का बंदा है और प्रभु के साथ हमारा संवाद है और हमको ही प्रभु ने बनाकर यहाँ भेजा है इनकी सेवा और सुषमा करने के लिए। बेबाक बोलना स्वास्थ्य मंत्री की खासियत रही है, आज इसी का उदाहरण लोगों को भी देखने को मिला। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।